नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गोक्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे और वो चीज़ ये है कि जैसे हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है एल्गो ट्रेडिंग कराने की, उसमें हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कराते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज और सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऑथेंटिक प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ ही कुछ ऐसे प्रोवाइडर्स भी हैं जो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि लाइक ऑथेंटिक नहीं है और काइंड ऑफ आप उसको फ्रॉड कह सकते हो कि वो करते हैं लोगों के साथ, जैसे कि उनके अकाउंट के क्रेडेंशियल्स ले लेना, उनमें ट्रेड प्लेस करना, अनवांटेड ट्रेड प्लेस करना, ये कुछ काम वो लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक मतलब आप इनसे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। और मेरे पास अभी रिसेंटली कॉल आया था एक कंपनी का और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से उनका एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काम करता है, तो मैं आपके साथ वो उनकी कन्वर्जेशन भी शेयर कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कमेंट करता बताता चलूँगा कि किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए और ये कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती एपीआई क्या होता है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये बड़े भारी भारी वर्ड यूज़ करते हैं मतलब आपको कन्विंस करने के लिए, जिससे कि आपको ये लगे कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है और इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस सब चीज़ की। लेकिन जैसे जैसे इनकी बातें आगे आपकी आएंगी, आपको दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं क्या रिकॉर्डिंग में क्या सामने आया है। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की ताकि जल्दी जल्दी से जल्दी आप कवर कर पाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी है वीडियो। तो चलिए वीडियो में डायरेक्ट आगे चलते हैं। यस सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, विशाल बात कर रहा हूँ मैं, सर आईटी सॉल्यूशन कंपनी से। बोलो। एक्चुअली सर हमारी जो कंपनी है एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है सर, एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर जो कि सर ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है इन शेयर मार्केट। सर मैं जान सकता हूँ अभी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं। हाँ कर रहे हैं सर। मैनुअली या एडवाइजर ब्रोकरेज के थ्रू? मैनुअली। मैनुअली तो सर कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ वर्किंग करते हो आप सर? 1 लाख। 1 लाख। एक्चुअली सर एल्गो जो सॉफ्टवेयर होता है सर, ये फुल्ली एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। तो सर ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करता है, जैसे कि अभी आप सर मैनुअली करते हो। तो सर वैसे बाय प्रोफेशनल आप क्या करते हो, कोई बिजनेस या जॉब? मैं जॉब करता हूँ। जॉब, जैसे कि सर आप जॉब करते हो उस दौरान सर आपने देखा होगा कि आप सर मार्केट को उस तरीके से अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, तो आपको सर हेलो सुनो तो सर आपको लॉस देखने को मिलता है। बट सर एल्गो जो सॉफ्टवेयर है सर ये ऑटोमेटिकली वर्किंग करेगा, यहाँ पे सर मार्केट को आपको एनालाइज नहीं करना होता है ना सर, आपको ये देखना कि मार्केट का मूवमेंट क्या है, राइट सर? आपका आपका वर्किंग सिर्फ इतना रहता है कि आपको सिर्फ क्वांटिटी सेट करनी होती है कि आपको कितने लॉट पे काम करना है, उसके बाद हेलो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रेड जनरेट करेगा। वैसे सर अभी आपका कौन सा डीमैट अकाउंट है? जीरो था। तो सर आपका जो जीरो का अकाउंट है तो सर वो क्या एपीआई के थ्रू? एपीआई का सर आपको फुल फॉर्म पता है एपीआई क्या है? नहीं। एक्चुअली सर एपीआई जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सर उसके थ्रू आपका जो डीमैट अकाउंट है वो एप्लीकेशन मतलब जो एल्गो सॉफ्टवेयर उससे सर लिंक हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अच्छा राइट सर, उससे लिंक होने के बाद मतलब उससे कनेक्टिविटी होने के बाद सर ये ऑटोमेटिकली ट्रेड जनरेट करेगा। एक्चुअली सर हेलो। हाँ सुन रहा हूँ जी। अगर सर आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी वर्किंग करते हो तो आपको देखने को मिलेगा सर आप डेली बेसिस पे अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो, राइट सर? कैसे काम करता है थोड़ा बताइए इसको। जी सर, एक्चुअली सर ये ऐसे काम करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एपीआई पहले कनेक्ट होगा सर आपके डीमैट अकाउंट से, जिससे सर आपका हेलो। हाँ जी हाँ जी जी सर, लाइसेंस जनरेट होता है उसके बाद सर ये ट्रेड जनरेट करेगा। एक्चुअली सर क्या होता है आपको पता होगा सर मार्केट क्या है, कभी आप कभी डाउन कभी बन साइड चलता रहता है, राइट सर? तो सर मार्केट की वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से हमारी कुछ स्ट्रेटेजी है जो प्रॉपर कोडिंग कोई
हुई है जो सर बैक टेस्ट होने के बाद आपको प्रोवाइडेड की जाती है, राइट सर? तो उसी की व्यापे सर जी मार्केट में, मतलब मूवमेंट के हिसाब से सर वो स्ट्रेटेजी लगाने के बाद आपको डेली बेसिस पे एक प्रॉफिट देखने को मिलता है। जैसे कि सर आपको मैं एक स्ट्रेटेजी का नाम बताना चाहूंगा जो सर ORB ओपन रेंज ब्रेकआउट, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ओपन रेंज ब्रेकआउट, राइट सर? जो स्ट्रेटेजी होती है जिसमें सर आपको देखने को मिलेगा सर ये आपको सर SL और टारगेट लेके चलता है जिसमें सर आपको 10 पॉइंट का SL और 10 पॉइंट को प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब जब जब सर आप मिनिमम, मतलब कि जब मार्केट स्लो चलता है, राइट सर, जब दो दो पाँच पाँच दस दस पॉइंट का जब सर, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ जी सर, जब मूवमेंट चलता है तब सर ये स्टडीज काम आती है। ऐसी सर एक है प्राइज एक्शन जो सर प्राइस के ऊपर वर्क करती है, जिसमें सर आपको देखने को मिलेगा 15 से 20% का SL और सर 20 से 30% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। मतलब टारगेट लेके चलता है जिस कारण सर आपको लॉस भी कम होता है, प्रॉफिट सर मैक्सिमम में होता है, राइट सर? हेलो, ऐसी सर एक स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं सर क्रॉस ओवर, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी यार, एक चीज बोलनी थी आपको कि जो चीज अभी आप मुझे जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आधी बात मेरे सर के ऊपर से जा रही है क्योंकि मैं उतना टेक्निकल नहीं हूँ जितना आप मुझे अच्छा इस तरीके से समझा रहे हो। जी, मतलब जी, कुछ मतलब वैसा कुछ हो देखने के लिए जिसमें मैं देख सकूँ आपको जी, या दिखा सकूँ आप, तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी सर आप गूगल मीट या एनी डेस्क पे अवेलेबल होगा? हाँ, एनी डेस्क, आपको लाइव एनी डेस्क, तो सर मैं आपको डेमो डिपार्टमेंट से बोल के एक डेमो कंडक्ट कर देता हूँ जिसमें सर आपको पूरी बातें क्लियर हो जाती है, राइट सर? आप नहीं कराएंगे अभी जी? एक्चुअली सर डेमो डिपार्टमेंट है सर, वो आपको डेमो देता है कि एक्चुअली क्या है। आज जो हमारी वर्किंग हुई वो पूरा सिस्टम सर डेमो डिपार्टमेंट के पास रहता है, राइट सर? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप मुझे करवा दो। मैं अभी यहाँ पे 15-20 मिनट तक ही हूँ, तो आप अगर जल्दी करा दोगे तो ठीक है, नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा। अभी हो जाएगा सर आपका सर, मतलब आप एनी डेस्क पर अवेलेबल हो सर, मोबाइल पे लोगे कि लैपटॉप पे? मेरे पास डेस्कटॉप है, डेस्क पे हूँ ना मैं अभी। जी 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 सर, आप डेस्कटॉप पे ले लीजिए, मैं आपको सर अभी 5 मिनट के अंदर डेमो कंडक्ट कर रहा हूँ, राइट सर? ठीक है सर। जी सर, आपने जी आपने अपना नाम क्या बताया मुझे डेमो के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा? प्रवीण नाम। प्रवीण, प्रवीण जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? फरीदाबाद सर। फरीदाबाद, ओके सर, आपको डेमो के लिए अभी कॉल आ रहा है, आप उसको पिकअप कर लीजिएगा। ठीक सर। तो उसके बाद मुझे कॉल नहीं आया सेम डे, फिर अगले दिन मैंने सुबह कॉल लगाया तो उसके बाद फिर उन्होंने डेमो अरेंज किया और एक मैडम आई, उन्होंने डेमो दिया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या डेमो दिया उन्होंने। हेलो, हेलो, हाँ जी मैम, मिस्टर प्रवीण जी बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, मैं सलोनी बात कर रही हूँ, बीटी सॉफ्टवेयर कंपनी डिपार्टमेंट से। अच्छा, हाँ हाँ, वो अभी भाई से बात हुई थी, एक भाई से, उन्होंने कहा था कि वो डेमो कराएंगे, कुछ बताएंगे। हाँ, तो डेमो, आपको डेमो के लिए कॉल किया है सर? अच्छा, तो उन्होंने कहा था एनी डेस्क या मीट से कर सकते, तो एनी डेस्क है मेरे पास। एनी डेस्क पे आप आएंगे ऑनलाइन? हाँ जी, ऑनलाइन ही हूँ मैम। ठीक है, एनी डेस्क मुझे एड्रेस लिखिए आप 2 मिनट के। ठीक है, मैंने भेज दिया आपको। यस, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या? अभी ब्लैक आ रहा है, अभी शो हो रही है। हाँ जी, ठीक है, तो मेरे को चाहिए ये सॉफ्टवेयर, ये लॉगिन पेज है सर, ठीक है? URL ये आपको मेल पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? अच्छा, जैसे कि आपको ये, हाँ, जैसे कि यूजर आईडी आपको मेरे साइड से मिलेगी, पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना रहेगा, पासवर्ड भी मिलेगा, बट यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये क्लाइंट की डिटेल से लॉग इन करेंगे, इनके पास डिटेल कहाँ से आई ये मुझे नहीं मालूम, बट आप देखिएगा। हाँ, जैसे कि आपको यहाँ में ये मेरे इतने सारे कस्टमर थे, इसमें से आपको मैं किसी का भी सॉफ्टवेयर विजिट करवा देती हूँ, ठीक है? जैसे कि प्रदीप जी का करवा देती थी कि इनको ये यूजर आईडी ये मेरे साइड से मिले, पासवर्ड इन्होंने बनाया, यूजर आईडी पासवर्ड करके सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे इंटर नंबर, लास्ट 4 डिजिट नंबर डालना रहता है मोबाइल के, जो भी लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए, ठीक है?
हाँ उसके बाद में ये डैशबोर्ड ओपन होता है सर। डैशबोर्ड में मेन वर्क ये रहता है सर कि आप जिस भी सेगमेंट में आप वर्किंग करते हैं उसकी लोड साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वांटिटी मेंटेन करनी रहती है। मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो वन लोड रहता है, बैंक निफ्टी का 25 का, हाँ 25 का, अगर वन लोड में वर्किंग करे तो 25 डालेंगे, अगर दो लोड में वर्किंग करना है तो 50 डालेंगे, अगर चार लोड में वर्किंग करना है तो 100 डाल देंगे। ठीक है, ऐसे लोड साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वांटिटी मेंटेन करना रहेगा। ऐसा नहीं कि आप एक लोड में वर्किंग करें तो एक डाल दिए, दो लोड में करना है तो दो डाल दिए, ये नहीं सर। लोड साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छा मतलब जितना क्वांटिटी है, मतलब जो 25, 30, 50 वैसे डालना है। हाँ जैसे दो लोड में करना है तो आप 50 डाल देंगे, अगर आपको चार लोड में करना है तो हम 100 डालेंगे। ओके मैम, ठीक है। हाँ इसी प्रकार ये निफ्टी का वन लोड रहता है, कितने का होता है सर? निफ्टी का 50 का होता है मैम। 50 का, अगर वन लोड में वर्किंग करेंगे तो 50 डालेंगे सर, अगर दो लोड में वर्किंग करें तो कितना डालेंगे सर? तो 100 डालेंगे। 100 डालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो फिर निफ्टी का होता है वो वन लोड कितने का होता है? इसका नहीं मालूम मैडम, इसमें करता नहीं हूं। और नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए जो कि फिर निफ्टी का जो वन लोड रहता है ना वो 40 का होता है। ठीक है, अगर दो लोड में वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे 80 डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ यहाँ पे आपको लोड साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी रहेगी। ठीक है, और सेगमेंट सर ये ऑप्शन केस में वर्किंग होता है, और स्टेट भी सर, स्टेट भी आपको डेली बेसिस पे मेरे साइज से अपडेट रहेगी कि सर कि किस स्टेट पे अपन वर्किंग करेंगे, या आपको मेरे साइज से अपडेट रहेगी या विशाल के साइज से आपको अपडेट रहेगी। ठीक है, आपको एक दिन पहले ही बता दीजिए कि किस स्टेट पे वर्किंग करना है। अच्छा, अपने हिसाब से नहीं लगाना? हाँ अपने हिसाब से नहीं, अगर आपको नॉलेज है तो आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ से मेरे साइड से सपोर्ट रहेगा सर आपको, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसका कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कैसे काम करती है? आपने बहुत सारी लिस्ट लगा रखी है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी से कैसे मालूम चलेगा इनका? देखिए सर, ये 10:30 का टाइम आई है, ये 10:30 होती है, 11:30 तक ये गेनी मैडी लिखा, क्या इसका क्या मतलब है? ये जो केलिसो, ये केलिसो गैनीमाइड प्राइस, ये प्राइस सेक्शन से वर्किंग करती है जब मार्केट ओपन होता है ना उसी उसके नीचे वाला जो है गैनीमाइड, क्या लिखा है गैनीमाइड समथिंग, टेन थर्टी गैनीमाइड। हाँ, गैनीमाइड ये जो प्लान होते हैं जैसे कि केलिसो, टाइटन, गैनीमाइड, ठीक है, ये जो भी प्लान में आप सर्विस एनरोलमेंट करवाते हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्किंग करना रहता है। ठीक है, गैनीमाइड का स्ट्रेटेजी का नाम है कि सिंबल का नाम है? ये स्ट्रेटेजी का नाम है सर। अच्छा, हाँ जी, ये आपको मेरे साइड से अपडेट रहेगी कि किस स्ट्रेटजी पे अपन वर्किंग करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, उसके बाद समझ में आएगी आपको, इसका कोई इशू नहीं, आपको ये मेरे साइड से मिल जाएगी, आपको डेली बेसिस पे अपडेट रहेगी सर। ठीक है, कि किस स्ट्रेटजी पे वर्किंग करेंगे, ये आपको यहाँ से 5 से 6 स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसमें से आपको मेरे साइड से डेली बेसिस पे अपडेट रहेगी कि सर अपन कल इस स्ट्रेटजी पे वर्किंग करेंगे, ये आपको सपोर्ट रहेगा सर मेरे तरफ से, गाइड कर देंगे कि कौन सी बेटर है उसके लिए, है ना? मार्केट के मूवमेंट के, हाँ मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी लगाई जाती है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो अब इसमें मैं, हाँ ये समझ में आ गया, अब मेरे को जीरोधा का मेरा ब्रोकर है तो अब मैं इसमें कैसे कनेक्ट करूंगा उसको? नहीं, ये जीरोधा जैसे जीरोधा का आपका डीमैट अकाउंट है तो ये सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता है, हम कनेक्ट करके देते हैं आपको API के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि कनेक्टिविटी का काम करता है, इसे ब्रेस का काम करता है, और कनेक्ट करने के लिए आपका जो डीमैट का क्लाइंट आईडी रहता है ना वही रिक्वायरमेंट रहता है, अदर पर्सनल डिटेल्स आपसे कुछ भी नहीं ली जाती है सर। अच्छा, तो मेरा जीरोधा का आईडी है वो मतलब वो आपको देना पड़ेगा? हाँ, क्लाइंट आईडी ऑनली लगेगी, पर्सनल डिटेल्स आपसे कुछ भी पासवर्ड वगैरह ये नहीं लिया जाएगा, आपके ऑनली क्लाइंट आईडी लगती है सर। फिर क्लाइंट आईडी से कैसे कनेक्ट होगा? सारी क्लाइंट आईडी से ही कनेक्ट हो जाता है क्या सिर्फ? जैसे कि आपका जो डीमैट अकाउंट रहता है ना, क्लाइंट आईडी API समझते हैं कि आप, जो स्मार्ट API का पेज होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। हाँ जी, वो कल बताया था भाई साहब ने जो मुझे कॉल किया था। हाँ, वहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी डालना रहता है, पिन डालना रहता है, POTP डालना रहता है। उन्होंने बताया था मुझे API का कि कुछ प्रोग्रामिंग करने का होता है API का। हाँ, जो कि API की प्रोसेस होती है सर, वो उसमें स्ट्रेटजी कोडिंग की जाती है, और API की प्रोसेस जो कि हम कनेक्टिविटी करके हम देते हैं सर आपको, ये तो आपको API में कोडिंग करके स्ट्रेटजी बन जाती है ना? हाँ, तो आपका जो भी आप अगर ये सिग्नल्स ले रहा है, जो सिग्नल जा रहा है, ये आप देख सकते हैं सर, आपकी डीमार्ट का अकाउंट ओपन करके आप देख सकते हैं, डीमार्ट का जो भी आपका डीमार्ट है ना वो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड कैसे ले रहा है, कैसे एंट्री ले रहा है, कैसे एग्जिट कर रहा है, क्या प्रॉफिट है, ये आप सारा ओरली देख पाएंगे। लेकिन इसमें आपको मैनुअली बाय सेल नहीं करना रहेगा, ना रिसर्च करना है, ना स्टॉप लॉस लगाना है, ना टारगेट लगाना है, ना कॉल ऑप्शन देखना है, ना पुट ऑप्शन देखना है सर। अच्छा, ये कर देगा? हाँ, ये ऑटोमेटिक ट्रेड करेगा सर। वाह, बढ़िया है तो। हाँ, आपको मेनू वाली करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, जो भी करेगा ये सॉफ्टवेयर करेगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी, स्ट्रेटजी का हाँ जी, स्ट्रेटजी का आप खुद ही बता दोगे कि कौन सी करनी है, किधर दिखता वो हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। हाँ, ऐसे आपने ये टिक लगा के स्टार्ट किया है, इसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये नीला नीला जो आ रहा है।
बस ओनली आपको सर ये क्वांटिटी आपको आपका काम इतना रहता है कि ये डैशबोर्ड ओपन करना है, ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंटेन कर दीजिए तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर वर्किंग करता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता रहता कि आपके डीमैट अकाउंट में कितना इन्वेस्टमेंट है और आप कितनी क्वांटिटी के साथ में वर्किंग कर रहे हैं सर, इसलिए ये क्वांटिटी है वो आपको मेंटेन करनी रहती है। अच्छा, तो एक बार मुझे आप वो करके दिखा सकते हैं कि किसी क्लाइंट का की कनेक्ट कैसे करना होता है, क्या क्या चीज है वो आप मुझे। और दूसरा एक क्वेश्चन मेरा एक और है कि ये जो जो आपने जो सिंबल अभी लगाई ये भी आप ही बताएंगे मुझे कौन सा करना है आज? हाँ हाँ, देखिए सर पहले तो ये सॉफ्टवेयर आप प्रॉपर समझ लीजिए, उसके बाद में आपको जैसे मतलब कैसे लॉग इन करना है आपको सॉफ्टवेयर, तो ये लास्ट में आपको ये प्रोसेस भी दिखा दूंगी, ठीक है? अच्छा, अभी आप ये प्रॉपर समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो सिंबल है ये मतलब आप ही बताएंगे मुझे आज कौन सा में करना है, आज कौन सा में करना है, या आपकी मर्जी से कुछ भी लगा दूं? नहीं, ये आपकी मर्जी से सर कि आपको कितने लोड में वर्किंग करना है, ये आपके लोड साइज के अकॉर्डिंग आपको दो लोड चार लोड आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको क्वांटिटी मेंटेन करनी रहेगी, वो आपके आपके मतलब मन से आप लगा सकते कि आप कितना लोड में वर्किंग कर रहे हैं, ये आपके साइज से ही अपडेट करना रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये सिंबल भी सर ऐसे मान लीजिए आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, फिर निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने लॉट में वर्किंग करना है यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब ये मुझे प्रॉफिट दिखाएंगे तो देखते हैं प्रॉफिट किस तरीके से है और ट्रेड किधर हुआ किधर नहीं हुआ वो तो कुछ दिखाया नहीं, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट दिखाया वो भी देख लेते तो दोस्तों काफ़ी देर तक इस मैडम से बात हुई और उस बंदे से भी बात हुई थी कल जिससे मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाया था। तो बेसिकली मुझे बस इतना ही समझ में आया कि काफ़ी तो ये चार्ज ले रहे हैं जिस चीज़ को ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ना तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, ना टारगेट लगाने की फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, आपको खुद ही बोल रहे हैं कि हम अपने हिसाब से सिंबल बताएंगे कौन सा लगाना है, आपको खुद ही बोल रहे हैं कि हम अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बताएंगे कौन सा लगाना है और उसके बाद उसमें ट्रेड होगा। तो इसे साफ साफ एक चीज़ नज़र आती है दोस्तों कि अगर ये खुद ही बता रहे हैं कि कौन से में लगाना है कौन सी क्वांटिटी में लगाना है तो इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल है कि ये खुद ही मैन्युअली इसमें ट्रेड डालने वाले हैं।
ठीक है, आपके अकाउंट में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रेड नहीं जाएगा, ये आपको झूठ बोल रहे हैं सरासर, जैसा कि मुझे इनके इस सिस्टम से समझ में आया है। क्योंकि कुछ भी किसी भी तरीके की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं पर भी ब्रोकर अकाउंट अटैच करने का फंक्शन नहीं है। बोल रहा है कि हम बताएंगे स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, हम बताएंगे सिंबल सिलेक्शन, हम बताएंगे। तो सीधा सीधा मतलब है कि आप अपना अकाउंट इनके साथ लिंक कर दो, अपना टोकन लेके इनको दे दो, उसके बाद फिर ये खेलेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हो, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारे प्लेटफॉर्म पर टोकन लेने का प्रॉपर मेथड है, अलग अलग ब्रोकर्स वहाँ पर लिस्टेड है, आप कैसे भी टोकन ले सकते हो। दूसरा, स्ट्रैटेजी हमारे वहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, कोई भी स्ट्रैटेजी में आप सिंबल लगा सकते हो, कितना भी स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो, कब बाय सेल होगा ये भी आपको मालूम होगा, टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सेट करते हो। कुल मिला के सारा का सारा काम हमारे प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट खुद करता है, तो वहाँ पर ऑथेंटिसिटी रहती है। ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इसमें मैं साफ साफ आपको कहना चाहता हूँ कि ये कुछ फर्जी प्रोवाइडर हैं और ये आपके साथ और आपके कैपिटल के साथ खेल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों को जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, जाहिर की हैं, उनको आप देखेंगे अगर आप कहीं अल्गो ट्रेडिंग में करना चाहते हैं। तो कृपया आप इस तरीके के प्रोवाइडर्स में फंसे ना, जो कि 50,000 रुपये चार्ज मांग रहे हैं। इतना तो ट्रेडर के अकाउंट में पैसा नहीं होता जितना ये आपसे चार्ज मांगने की कोशिश कर रहे हैं, एक महीने का, छः महीने का। तो आप प्लीज़ इनसे बच के रहें। आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको सही प्रोवाइडर का चुनाव करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।